नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कुंदरू की सब्ज़ी। उसके लिए हमने कुंदरू को अच्छे से धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छोटे कुंदरू को दो हिस्सों में काटा है और बड़े वालों को चार हिस्सों में और काट लिए हैं। और लहसुन को चॉप कर लिया है और अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है और डालेंगे हरी मिर्ची। शुरू करते हैं। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और हम इसमें डालेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो हमने आलू काट के रखे थे इनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे नमक। अब हमने आलू को तेल से अलग कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। और डालेंगे जीरा। अब हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। और डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। और साथ में अदरक। अदरक और लहसुन को अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम डालेंगे प्याज। साथ में दो हरी मिर्च मिला लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम डालेंगे जो ये हमने कुंदरू काट के रखे थे इनको डाल देंगे। अच्छे से कुंदरू को भी इसके साथ फ्राई कर ले रहे हैं मसाले के साथ। सूखा मसाला भी हमने दिया नहीं है, अभी सिर्फ प्याज अदरक और लहसुन है, हरी मिर्ची है, लाल मिर्च है। थोड़ा सा इसको मिलाएंगे दो तीन मिनट के लिए, फिर इसमें डाल देंगे हम सूखा मसाला। सबको हमने अच्छे से मिला लिया है। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनते रहेंगे। जितना अच्छा ये भुना जाएगा उतना ही टेस्ट इसमें आएगा। और इसी स्टेज में हम डाल देंगे सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर। और इसको भी अच्छे से मिला देंगे।
डालेंगे थोड़े से पानी के छींटे, थोड़े से डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। जो हमने प्याज वगैरह दिया है इसमें, ये इसी के रस से ही पकेगा। और इसको और जो ढक्कन है इसके ऊपर भी डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये स्टीम में पकता रहे और तले से ना लगे। कुंदरू की सब्जी को हमने आधे घंटे के लिए ढक कर पका लिया है। सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ सर्व करें और साइड में दाल रखें और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मुझे कमेंट किया करें, कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।